मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो स्नेक्स जिनका कलर व्हाइट और ग्रीन होता है। ये दोनों बहनें होती हैं। इनका एज भले ही कम लग रहा हो लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लगभग 1000 साल से भी ज्यादा की थी। व्हाइट स्नेक का नाम सूजन होता है। इन दोनों सिस्टर्स के पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वे इंसानों का रूप ले सकती थी। तभी उनको एक लड़का दिखाई देता है जो उन्हीं के पहाड़ों पर आया हुआ था। इस लड़के का नाम सियान था। वह जड़ी बूटियों के लिए फ्लावर को टेस्ट करता है। ये सब देख दोनों सिस्टर्स बड़े ही हैरानी के साथ देखती हैं। सियान जैसे ही उन पहाड़ों पर अकेला चढ़ने लगता है तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आकर उसे डरा देती है जिससे वो पहाड़ से नीचे पानी में जा गिरता है। ये सब देख व्हाइट स्नेक को काफी बुरा लगता है जिससे वो इंसान का रूप लेकर पानी में जाती है और सियान को अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर वहाँ से चली जाती है। आँख खुलने पर वह दोस्तों के बीच मौजूद होता है। सियान उस लड़की के बारे में पूछता है वो कहाँ है जिसने मेरी जान बचाई। उसके दोस्त बताते हैं यहाँ कोई भी लड़की नहीं थी। इसी बीच हम देखते हैं एक खास तरह का त्योहार मनाए जाने वाला था। त्योहार को मनाने के लिए यहाँ के टेम्पल का मास्टर और उसका साथी दोनों सियान के साथ जाते हैं क्योंकि उनको मालूम था कि मॉन्स्टर्स इंसानों पर हमला करने वाले हैं। इधर हम देखते हैं व्हाइट स्नेक जिस लड़के की जान बचाई होती है उसी पल में खोई हुई होती है। दरअसल उसको सियान से प्यार हो गया था। वो अपने सिस्टर से कहती है मुझे उस लड़के के पास जाना है जिसकी मैंने जान बचाई। अब दोनों उसी गांव में सियान को ढूंढने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ फेस्टिवल में टेंपल का मालिक और उसका साथी मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आए हुए थे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। जो ग्रीन स्नेक थी वो मास्टर के साथी से कहती है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। कहीं न कहीं वो उसको पसंद करती थी। वो ग्रीन स्नेक से बताता है फिलहाल मैं एक मिशन पर हूँ। वो मास्टर के साथी से पूछती है कैसा मिशन। वो कहता है मैं यहाँ मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए आया हूँ। इतना कह ही रहा होता है तभी वहाँ ग्रीन स्नेक को सियान नजर आता है। वो उसके पास जाकर कहती है मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, तुमसे मिलना चाहती है। सियान उसे मना कर देता है क्योंकि सियान उसकी सिस्टर को नहीं जानता था। ग्रीन स्नेक पानी में जाकर उसके बोट को अपने सिस्टर के पास लाती है। सूजन कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वह लड़का कहता है मैं तो उस लड़की से प्यार करता हूँ जिसने मुझे सांस देकर पानी में डूबने से बचाया था। तब सूजन उसे पानी में फिर से ले जाकर उसे यकीन दिलाती है कि मैं वही हूँ जिससे वो प्यार करता है। सियान समझ चुका था जिसने मेरी जान बचाई वो सूजन ही है। हम देखते हैं मास्टर का साथी दो मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। एक मॉन्स्टर उसके पैर में काट लेता है। तभी वहाँ उसके मास्टर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को नरक की दुनिया में ले जाकर उन दोनों को जलाकर राख कर देते हैं। क्योंकि सूजन और सियान एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए दोनों शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ मास्टर का साथी अब धीरे धीरे मॉन्स्टर में तब्दील होता जा रहा था क्योंकि फेस्टिवल के दिन उस मॉन्स्टर ने उसे काट लिया था। वह तंग आकर सुनसान इलाके पे अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तभी वहाँ ग्रीन स्नेक आ जाती है। वो पूछती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैं इंसानों के लिए खतरा हूँ इसलिए मैं सुसाइड करने जा रहा था। ग्रीन स्नेक भी अपनी सच्चाई बताती है मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इधर मास्टर गांव में देखते हैं गांव के लोग उन मॉन्स्टर की वजह से मर रहे होते हैं। लोगों को बचाने के लिए सियान जड़ी बूटियों से मेडिसिन बनाता रहता था। सूजन जानती थी ये नॉर्मल जड़ी बूटियां उन खूंखार मॉन्स्टर के अटैक से पीड़ित लोगों को ठीक नहीं कर सकती। ये जानते हुए लोगों के मदद के लिए सूजन अपने सांस को उस जड़ी बूटियों में मिला देती है। सूजन का दोस्त जो एक चूहा था वो सूजन से कहता है तुम्हारे लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है, तुम अपना सांस क्यों दे रही हो। वो अपने हस्बैंड और उन गांव के लोगों की मदद करना चाहती थी। अब सियान गांव के लोगों को वही मेडिसिन पिलाता है। धीरे धीरे करके सभी लोग ठीक होने लगते हैं। ये सब देख मास्टर को यकीन नहीं आता। वो जानता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। उन लोगों को ठीक होता देख मास्टर सियान से पूछता है क्या तुमने अकेले ही इस जड़ी बूटी को बनाया है या किसी ने मदद की थी। वो कहता है मेरी वाइफ ने मेरी हेल्प की थी इसे बनाने में। मास्टर समझ चुका था कि उसकी वाइफ एक आम इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। तब मास्टर सियान को एक पवित्र खंजर देता है और सूजन के पास आकर कहता है तुम एक मॉन्स्टर होकर इंसान से शादी क्यों की, ऐसा क्यों कर रही हो। देखो मैं अभी तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं मानता हूँ तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो पर इसका मतलब यह नहीं कि इंसानों के बीच रहो। तुम सियान को छोड़कर चली जाओ वरना मारी जाओगी। इतना कहकर वो चला जाता है।
उसी रात सियान वाइन लाता है जिसमें मेडिसिन मिला होता है सांप के काटने से जहर न फैलने की दवाई। अब दोनों वाइन पीते हैं क्योंकि सूजेन खुद एक स्नेक थी जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। सियान उसे डोर खोलने के लिए कहता है, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन सूजेन अपना नियंत्रण खोकर पूरी तरह से स्नेक बन जाती है। तभी वहाँ मास्टर आता है। अब इन दोनों की काफी फाइट होती है। मास्टर ने जो पवित्र खंजर दिया था सियान उससे स्नेक पर चला देता है। उसको पता नहीं होता कि ये वाइट स्नेक ही मेरी वाइफ है। इसके बाद हम देखते हैं सूजेन अपने सिस्टर के पास चली आती है। वो काफी उदास थी। अब वो इंसान का रूप नहीं ले सकती क्योंकि उस खंजर से मारा गया था। मास्टर सियान से बताता है, तुम्हारी वाइफ ही वाइट स्नेक है। उसकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा की थी। वो काफी दुखी हो जाता है। वो चूहा जो सूजेन का फ्रेंड था वो सियान से कहता है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सूजेन की जान बचा सकती है, लेकिन वहाँ काफी खतरनाक मोनस्टर्स रहते हैं। एक्चुअली मोनस्टर का साया है। सियान बिना डरे वहाँ चला जाता है और वह जड़ी बूटी उसे मिल भी जाती है, लेकिन तभी मोनस्टर्स के साये उस पर अटैक कर देते हैं। देखते ही देखते वहाँ मास्टर अपने साथियों के साथ मोनस्टर्स को पकड़ने के लिए आते हैं। इधर चूहा वो मेडिसिन सूजेन को दे देता है। सूजेन ठीक होकर अपने सिस्टर के साथ वहाँ आती है और मास्टर पर अटैक कर देती है। उसको लग रहा था मास्टर हम दोनों को अलग करना चाहते हैं। काफी मुसीबतों का सामना करने के बाद सूजेन सियान को लेकर एक सेफ जगह जाती है, क्योंकि सियान पर उस मोनास्टर ने अटैक किया था इसलिए उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। इसी कारण बस वो अपना अतीत भूल चुका था। सूजेन पूछती है, तुम ठीक हो, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। तभी वहाँ मास्टर आता है। सूजेन मास्टर से पूछती है, क्या तुमने ही उसके अतीत को मिटा दिया? थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सियान को सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि सूजेन एक मोनास्टर थी जिसके कारण मास्टर कुछ मंत्रों के जरिए एक प्राचीन घर में हमेशा के लिए उसे कैद कर देता है। अब वह उस घर से कभी बाहर नहीं आ सकती। सूजेन के इंतजार में सियान सारा जीवन अपना वहीं उसी घर के बाहर बिताता है।